नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा द्वारा दो साल पूर्व कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को अनैतिक तरीके से गिराने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा थाम कर पैदल मार्च किया और लोकतंत्र की रक्षा की शपथ ली। यात्रा संयोजक कमलनाथ जन कल्याण संघ संरक्षक और जिला कांग्रेस कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि ड्रीमलैंड चौराहा स्थित नेहरू प्रतिमा से सुबह 11 बजे यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा थाम कर चल रहे थे। यात्रा ने ड्रीमलैंड चौराहा से शुरू होकर माणक चौक, सराफा बाजार, फूल चौक, मोती चौक, हरिफाटक, सांगी स्ट्रीट, कोतवाली चौक आदि स्थानों पर भ्रमण किया। समापन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा करने की शपथ भी ली। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बाबूलाल भूत, विजेंद्र सिंह चौहान, सेवादल नगर अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल, प्रदेश कांग्रेस सचिव शक्ति सिंह गोयल, इंदौर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष शैला तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष शिखा अग्रवाल, सुनील मित्तल, मनोज महेश्वरी, अतुल जैन, गौरव शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। संचालन ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह धनावत ने दिया।